क्लास में हम इक्वलिटी को समझने का प्रयास करेंगे। इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम इस लेक्चर को या इस क्लास को कुल 5 भागों में डिवाइड करके समझने का प्रयास करते हैं। तो शुरू करते हैं इक्वलिटी। इक्वलिटी मतलब समानता। इस क्लास को हम कुल 5 भागों में डिवाइड करके इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला है व्हाट इज इक्वलिटी, आर मीनिंग ऑफ इक्वलिटी, सेकेंड डेवलपमेंट ऑफ इक्वलिटी, थर्ड मेजर थिंकर ऑफ इक्वलिटी, वाई इक्वलिटी और फिफ्थ इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ व्हाट। पहले भाग के अंतर्गत हम समानता की अवधारणा या इक्वलिटी को समझाने का प्रयास करेंगे, इसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे कि इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट होता क्या है। दूसरे भाग के अंतर्गत हम इक्वलिटी के डेवलपमेंट, समानता की अवधारणा कैसे अस्तित्व में आई, आधुनिक समय में समानता की अवधारणा जो पॉलिटिकल इक्वलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे डेवलप हुआ उसको समझने का प्रयास करेंगे। थर्ड में हम 5 जो है मेजर थिंकरों के विचारों के आधार पर इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें पहला अरस्तु, दूसरा हॉब्स, तीसरा लॉक, चौथा रूसो, पांचवा जो है मार्क्स और एक अदर जो है वो है टॉकविल। इन 6 जो विचारक हैं, इन विचारकों के विचार के आधार पर हम इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। वाई इक्वलिटी में हम समझने का यह प्रयास करेंगे कि इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट जो है हमारे जीवन में क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है वो हम समझने का प्रयास करेंगे। और फिफ्थ इक्वलिटी ऑफ व्हाट में इक्वलिटी से संबंधित जो अन्य अवधारणाएं हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे, जैसे इक्वलिटी ऑफ वेलफेयर, इक्वलिटी ऑफ कैपेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी, और फोर्थ रिसोर्स इक्वलिटी। इन 4 मेजर जो अवधारणाएं हैं जो इक्वलिटी से अर्थात समानता से संबंधित हैं उनको भी समझने का हम प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं व्हाट इज इक्वलिटी या मीनिंग ऑफ इक्वलिटी। समानता का अर्थ होता है असमानताओं का विरोध, विरोध या अंत से होता है, या विशेषाधिकारों अंत से लगाया जाता है। थर्ड अवसर की समानता से लगाया जाता है, जो इस समय समानता की जो एक्चुअलिटी जो परिभाषा है, एक्यूरेट जो परिभाषा है वो अवसर की समानता के रूप में ही समझने का प्रयास करते हैं। इसमें इसका मतलब होता है समान के साथ समान व्यवहार किया जाए एवं असमान व्यक्ति के साथ असमान व्यवहार किया जाएगा।
ये कैपेबिलिटी पर बेस होता है, स्किल पर बेस होता है। यह मानता है कि मनुष्य जो होता है अपने स्किल कैपेबिलिटी के आधार पर अगर कोई योग्य व्यक्ति है तो उसके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, असमान के साथ असमान व्यवहार किया जाएगा। असमान मतलब क्या, जिनकी कैपेबिलिटी जो है या स्किल जो है इनकी तुलना में कम है, ठीक, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कुछ रियायतें दी जाएंगी, कुछ अफर्मेटिव एक्शन लिए जाएंगे जिसके तहत उनको रियायतें देकर उनको मुख्य धारा से, समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। समानता का जो कॉन्सेप्ट है मेनली असमानताओं का अंत करने, अंत करने का पक्षधर है। वो चाहता है कि सोसाइटी को इक्वल बनाया जाए। इक्वल बनाया जाए तो क्या, क्या सभी को इक्वल बनाया जा सकता है, ठीक, इसकी यह भी बात करता है। इसके जो मेजर जो कॉन्सेप्ट रहे हैं जैसे कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट था, रिसोर्स इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट जो था, ये जो चारों अवधारणाएं थी उनके आधार पर इन चीजों को हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक, कि क्या सबको समान बनाया जा सकता है, ठीक। इसके लिए पूरे विचार को, इक्वलिटी के पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। हम अन्य अन्य भागों में, अनेक भागों में इसको डिवाइड करके समझने का प्रयास करेंगे कि क्या सभी लोगों को समान रूप से बनाया जा सकता है और इसके पीछे में विचारक क्या क्या अपने मत रखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ इक्वलिटी, डेवलपमेंट ऑफ इक्वलिटी का मतलब यह है कि समानता की अवधारणा समाज में एक्जिस्टेंस में कैसे आई, ठीक। तो हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि मनुष्य जो अपने शारीरिक एवं प्राकृतिक रूप से जो है भिन्न होता है। कुछ लोग के रंग अलग होते हैं, रूप अलग होते हैं, कुछ लोग स्किल के आधार पर जो है वो ऊंचे पद पर होते हैं, कुछ नीचे पद पर होते हैं। अनेक प्रकार के हायरार्की देखने को मिलती है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, कैपेबिलिटी के आधार पर, रिसोर्सों के आधार पर, ठीक। ये हमें भिन्नता देखने की मिलती है, तो इन्हीं भिन्नताओं को जो है वो समान करने की बात करता है। एक्चुअल में जो है समानता का कॉन्सेप्ट जो है वह यह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान नहीं किया जाए, समान करने से मतलब नहीं है। समानता का कॉन्सेप्ट जो कहता है प्रत्येक व्यक्ति को एक ऐसा स्टैंडर्ड लाइफ प्रोवाइड करवाया जाए जिससे वो क्या है, वो कैपेबल हो सके, सोसाइटी के अन्य लोगों के भागते ही वो भी मुख्य धारा से जुड़ सके, इस पर जो है पूरी तरह यह जोर देता है। तो जो ये इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट वो कैसे डेवलप हुआ इसको समझने के लिए हम प्राचीन समय में जाकर समझने का प्रयास करेंगे। प्राचीन समय में जब पश्चिमी जो भाग है, पश्चिमी जो देश है, उसमें एथेंस प्रदेश या शहर था, उसमें क्या होता था कि लोग परस्पर मिलकर जो है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में भागीदारी करते थे, मिलजुल कर जो है किसी भी मत पर अपना विचार रखने का कार्य करते थे, ठीक। अभी यहाँ हम देखते हैं अपने इंडिया लेवल में ही देखते हैं, तो इंडिया लेवल में ही देखते हैं कि प्राचीन समय में जो अनेक प्रकार की जाति आधारित उपेक्षाएँ थी, जो दलित तबके के लोग थे उनके साथ शोषण किया जाता था, उन्हें मुख्यधारा से दूर रखा जाता था, शिक्षा हो, राजनीति हो, उनसे वह उन्हें दूर रखा जाता था, ठीक। उन्हें एक अपलेस्ट क्लास मानकर उनको छुआछूत किया जाता था, उनसे दूरी बनाई जाती थी, ठीक। ये चीजें थी, ठीक। अब ये पॉलिटिकल जो है, पॉलिटिकल इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट कैसे आता है, ये भी एक बड़ी बात है। पॉलिटिकल इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट कैसे आता है, जब हम देखते हैं समाज में देखते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं कि फला व्यक्ति जो है, ठीक, फला व्यक्ति अहम व्यक्ति, हकदारी की जब बात करने लगते हैं, हम भेदों को रिकॉग्नाइज करने लगते हैं कि सोसाइटी में वो फला व्यक्ति इतने रिसोर्स रखा हुआ है, उसके पास इतने रिसोर्स हैं, वो इतने उच्च पद पर है, ठीक, उसकी जाति ऐसी है, ये है वो चीज़ें जब हम करने लगते हैं, रंग के आधार पर जब हमसे भेदभाव होने लगता है, तो हम क्लेम जब करते हैं, ठीक, जब सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है तब हम क्या करते हैं, पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात करना शुरू कर देते हैं, ठीक। और जब हम उस जो भेद है, जो सोसाइटी कृत भेद है, जब उसको हम क्या करते हैं, जब सोसाइटी कृत भेद को हम जब खत्म करने की बात करने लगते हैं, तब पॉलिटिकल जो हकदारी की बात, हम पॉलिटिकल क्लेम की बात करना शुरू कर देते हैं। यही से राजनीति में जो है समानता की अवधारणा जन्म लेती है, ठीक। तो इक्वलिटी का जो कॉन्सेप्ट है,
वो दो आधारों पर मेरी बेस है। वो कहता है कि समाज में असमानता के दो कारण होते हैं, ठीक, क्रिएटेड बाय सोसाइटी, क्रिएटेड बाय नेचर, ठीक। ये दो आधार होते हैं जिनके आधार पर व्यक्तियों के बीच में असमानताएं जन्म लेती हैं, जो मनुष्य जो जिसने नेचर ने बनाया, प्रकृति ने मनुष्य को क्या किया, अलग अलग बनाया है, जिसे रंग के आधार पर अलग बनाया है, ठीक, नस्ल के आधार पर अलग बनाया, ठीक, डिफरेंशिएशन जो हुए हैं लोगों में लिंग के आधार पर, जन्म के आधार पर, अन्य चीज़ों के आधार पर जो हुए हैं, ठीक, ये प्रकृति ने विषमताएँ पैदा की हैं, बनाई हैं, ठीक। अब इधर आते हैं सोसाइटी के लिए जो है, सोसाइटी के लिए में क्या है, जैसे कोई ऊंचे पद पर है, कोई नीचे पद पर है, धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है, जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है, ठीक, सांप्रदायिक आधार पर भेदभाव हो रहा है, तो अन्य तरीके जितने प्रकार के भेदभाव जो सोसाइटी जो बनाती है, ठीक, तो जो भी सोसाइटी क्रित की है, सोसाइटी बनाई है, ये बॉडी स्ट्रक्चर पर बेस है मेनली, ठीक, जो क्रिएटेड बाई सोसाइटी है, बॉडी स्ट्रक्चर पर आधारित जो भेद को दिखाती है या प्रदर्शित करती है, और ये जो है ये सोसाइटी में जो है जैसे शारीरिक संरचना के आधार पर ही भिन्नता को प्रदर्शित होता है या दिखता है, ठीक। इनमें क्या होता है, ये रिकॉग्नाइज होते हैं, ये सोसाइटी द्वारा बनाए गए होते हैं, इनमें जैसे पद गरिमा ये सब चीज़ें जो होती हैं वो सब चीज़ें आती है, अधिकार अधिकार वाले जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो सोसाइटी के तहत आते हैं, ठीक। प्रकृति ने तो सबको एक समान रूप से बनाया, सबने सबको स्वतंत्र बनाया, ठीक, लेकिन जो सोसाइटी ने हायरार्की बनाई है, समाज में एक स्तर बनाया है कि आप ऊंचे होंगे, आप नीचे होंगे, आप फला जाति के होंगे, फला धर्म के होंगे, ये सब चीजें किसने बनाई, ये सोसाइटी ने बनाई, ठीक। तो समानता की अवधारणा जो कहती है वह कहती है कि यह अन्यायपूर्ण नहीं है, जो नेचर ने बनाया है, जो समानता है नेचर ने बनाई है वह अन्यायपूर्ण समानता नहीं, ठीक। तो इसलिए समानता की अवधारणा, पॉलिटिकल इक्वलिटी की अवधारणा जो है, इसका विरोध नहीं करती है, वह इसका विरोध करती है, ठीक, जो सोसाइटी द्वारा बनाई गई जो चीजें हैं लिंग के आधार पर, ठीक, पद पदवी सब चीजों के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, इन सब चीजों के आधार पर जो बनाई गई चीजें हैं, ठीक, उन भेदभावों के अंत की बात करता है और इक्वलिटी की बात करता है, ठीक, ये चीजें। तो डेवलपमेंट हो रहा था, कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, एथेंस में दिखा रहा था कि समानता है, सब लोगों को पार्टिसिपेशन का अधिकार था, इधर देखते हैं क्या देखते हैं, प्राचीन समय में भारत में क्या देखते हैं, भारत में बड़े स्तर पर असमानता थी, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर लोगों से भेदभाव किया जा रहा, एक धर्म दूसरे का शोषण कर रहा था, एक धनी वर्ग बन रहा था, एक निर्धन वर्ग बन रहा था, निर्धन वर्ग जो है वो क्या कर रहा, जो धनिक वर्ग है वो निर्धन का शोषण कर रहा था, सामंत किसानों कर रहे थे, इसी तरह जो चीज़ें थी वो डेवलप हो रही थी, ठीक, ये असमानताएँ जन्म ले रही थी धीरे धीरे धीरे। जब पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात आई, पॉलिटिकल क्लेम की बात आई, पॉलिटिकल मांग हकदारी की बात आई, तब समानता का कॉन्सेप्ट जन्म लिया और पार्टिसिपेशन की बात होने लगी, इक्वलिटी की बात होने लगी, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की जब बात होने लगी तब ये कॉन्सेप्ट जो है वो जन्म लिया, ठीक। अब इसके मेजर थिंकर जो रहे वो इक्वलिटी के विषय में क्या क्या बातें रखते हैं ताकि हम पूरी चीज़ों को समझ सकें, इसलिए ज़रूरी है कि हम इनके मेजर थिंकरों के बारे में भी समझ लें, ठीक। तो पहले मेजर थिंकर जो है अरस्तु, ठीक, अरस्तु जो है प्राकृतिक असमानता को वो सही मानते हैं, न्यायपूर्ण मानते हैं, प्रकृति ने जो बनाया है, अरस्तु मानते हैं कि बौद्धिक रूप से जो विकलांग है, ठीक, तो उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक रूप से असमानता का ये समर्थन करते हैं, ठीक। तो इनकी इनका जो कॉन्सेप्ट इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वह प्रेजेंट समय में जो सही सूटेबल नहीं बैठता, ठीक, ये प्राकृतिक असमानता का समर्थन करते हैं, ये दासों का समर्थन करते हैं, मतलब इनइक्वलिटी का समर्थन करते हैं, दासता का समर्थन करते हैं। दासता में किसको रखते हैं, विदेशियों को रखते हैं, महिलाओं को रखते हैं, ठीक, और थर्ड जो है वह दासों को रखते हैं जिनकी बुद्धि जो है बुद्धि से मध्यम हो या कमजोर हो, चिन्ह हो, तो ऐसा ये मानते थे कि लोग जो होते हैं
कुछ लोग बुद्धि से बने ही होते हैं शासित होने के लिए, ठीक। तो ये जो है नागरिकता की बात तो करता है अरस्तु, शासित और शासक की बात करता है, पार्टिसिपेशन की बात करता है, लेकिन ये सबको नागरिकता भी नहीं देता, ठीक। इसीलिए इसके कॉन्सेप्ट में, अरस्तु के कॉन्सेप्ट में इक्वलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो धूमिल दिखाई देता है, ठीक। अब आते हैं इसके बाद हाफ, हाफ क्या कहते हैं इक्वलिटी के विषय में। हाफ कहते हैं कि प्रकृति ने मनुष्य को समान बनाया, ठीक। और मनुष्य क्या है, मनुष्य को जो है दो मोटिवेटर थिंग दिए हैं, ठीक, जिनके आधार पर वो काम करता है, भय और इनके आधार पर वो काम करता है। एक ये चीजें हाफ कहता है, वो कहता है कि प्राकृतिक रूप से सभी समान है, इसलिए सभी को मारने का अधिकार है, ठीक। ये कॉन्सेप्ट जो है हाफ से रखते हैं, ठीक, ये भेदभाव का समर्थन नहीं करते हैं। हाँ, ये कहते हैं, एक बात जरूर कहते हैं कि मनुष्य जो होता है प्राकृतिक रूप से एवं साधिक रूप से दोनों रूप से समान हो सकते हैं, ठीक। कोई जो है हो सकता है प्राकृतिक रूप से क्या हो, मतलब बौद्धिक रूप से, दिमागी रूप से हो सकता है कमजोर हो, तो शारीरिक रूप से क्या होगा वो मजबूत हो सकता है, ठीक। जैसे कंडीशन मान लो, ठीक, कोई बौद्धिक आदमी जो है बुद्धि से श्रेष्ठ है, तो शारीरिक वाला जो है वो क्या करेगा, कोई क्या करेगा, उसको उठा के पटक देगा, मार देगा, उसका मर्डर कर देगा, ठीक। जो बुद्धि रूप से बलवान लेकिन शारीरिक से कमजोर है, ठीक, तो ये कहीं जा रहा है और चार लोगों का कूट बना के उसको पकड़ के हथिया के उसको मार देगा, ठीक। तो ये कहता है, आप क्या कहता है, आप कहता है कि प्रकृति ने मनुष्य को समान बनाया, ठीक, इक्वलिटी की बात करता है, ठीक, इसलिए सबको मारने का अधिकार था, ठीक। अब आते हैं लॉ के ऊपर, लॉ का कहते हैं, लॉ जो है उदारवादी थिंकर, उदारवादी जो है विधि के साथ समक्ष समानता की बात करते हैं, वो कहते हैं कि विधि के सामने जो है प्रत्येक व्यक्ति समान है, ठीक, वो किसी भी पद पर हो, ठीक, उस प्राधिकार के किसी भी पद पर होगा वह समान होगा, किसी प्रकार की कोई डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करते, जो लॉ कहेगा लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो चलने की बात करते हैं। तो लॉ यही करते हैं, विधि के सामने जो है सभी समान होंगे, विधि मतलब क्या, नेचुरल लॉ क्या है, रीजन पर बेस है, तार्किकता पर आधारित है। लॉ जो कहते हैं नेचुरल लॉ क्या है, नेचुरल लॉ जो है वो तार्किकता पर बेस है, ठीक। वो इसीलिए कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है अपनी नेचुरल राइट, मतलब लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी की सुरक्षा करने का एक समान अधिकार है, वो भेदभाव की बात नहीं करते, क्योंकि नेचुरल लॉ जो है वो कहता है कि मनुष्य को तीन जन्मजात अधिकार प्राप्त, ठीक, इसलिए ये भी भेदभाव का समर्थन नहीं करते, ठीक। अब रूसो आते हैं, रूसो का कह रहे हैं, रूसो कहते हैं वो समानता पे ही अपनी किताब ही लिखते हैं, डिस्कोर्सेस ऑन ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, मतलब भी मानव जाति में विषमताओं के अंत पर एक पुस्तक लिखते हैं, जिसमें बताते हैं कि मनुष्य में विषमताओं के दो कारण होते हैं, एक प्राकृतिक जन्म कारण और दूसरा सामाजिक कारण, ठीक। मनुष्य ने सबको एक समान रूप से बनाया है, ठीक, इसीलिए वो जो है मनुष्य को समान मानते हैं, समानता एवं स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं, ठीक। जो रूसो है समानता और स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं, कहते हैं मनुष्य को क्या है, प्रकृति ने समान बनाया है, लेकिन सोसाइटी की असमानता की बात करते हैं, दो तरह की असमानता की बात करते हैं, प्राकृतिकजन और ये प्राकृतिक, मतलब क्या प्राकृतिक, मतलब क्या बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक, और जो ये असमानता है जो तर्क विवेक जाति धर्म ये सब चीज़ें जो हैं पैसा रुपया ये जो चीज़ें हैं, ठीक, उनकी ये बात करते हैं, ठीक। तो रूसो कहते हैं जब मनुष्य जन्म लिया होगा शुरू शुरू में, ठीक,
तो क्या हुआ होगा, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करके गया होगा, जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, तो उनके बॉडी स्ट्रक्चर में परिवर्तन आए होंगे, ये तो असमानता है, ठीक है, ये न्याय पूर्ण असमानता है। क्या है? न्याय पूर्ण असमानता है, ठीक। लेकिन रूसो जो है इसका विरोध करते हैं, सोसाइटी की जो है असमानता का अन्यायपूर्ण अनैतिक असमानता मानते हैं, ठीक। वो कहते हैं धीरे धीरे सभ्यता का विकास हुआ होगा, सभ्यता तर्क आया होगा मनुष्य में, संपत्ति पर हथियाया होगा, संपत्ति हथियाया होगा, फिर उसमें भ्रष्ट जब सभ्यता डेवलप हुई होगी तो मनुष्य जो है भ्रष्ट हो गया होगा, ठीक, तर्क लगाने लगा होगा, ठीक। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट देते हैं, एरो फ्रेम करके कुछ कॉन्सेप्ट देते हैं, तो उसमें वह कहते हैं मनुष्य में जो है, ठीक, कंपैरिजन का भाव आ जाता है, ठीक, कंपैरिजन का भाव, एरो फ्रेम करके देते हैं, कंपैरिजन का जो भाव आता है मतलब तुलना का भाव आता है। तुलना जो है समाज में क्या करती है, असमानताओं को जन्म देती है, गरीबी अरेमी आती है और गरीबी अमीरी आती है। जैसे गरीब आदमी अमीर से कंपैरिजन करने लगता है, वो भी चाहता है कि हम अमीर हो जाए, इससे क्या होता है समाज में अपराध बढ़ने लगते हैं, इन सब चीज़ों को कहता है और रूसो कहता है। इसीलिए कहता है, ठीक, कि एक समय ऐसा आता है जब शोषण बहुत बढ़ जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में मनुष्य को उसके खिलाफ क्रांति कर देनी चाहिए, क्रांति करके समरसता या इक्वल सोसाइटी का निर्माण करना चाहिए, वैध सोसाइटी का निर्माण करना चाहिए, वैधता का निर्माण करना चाहिए, ये चीज कहता है, ठीक, ये रूसो कहता है, ठीक। ये कहता है कि जो तार्किकता है, ये है मनुष्य है, ठीक, ये कैपिटलिस्ट जो है, जो अमीर क्लास है, बुर्जुआ क्लास का, जैसे मार्क्स कहता है, उसने कहता है ये जो अमीर है, जो बुर्जुआ क्लास है, कैपिटलिस्ट लोग हैं, वो क्या करते हैं, एक कैमोफ्लॉज की थ्योरी यूज करते हैं, कैमोफ्लॉज का छलावा यूज करते हैं, ठीक, वैधता दिखाते हैं, ठीक, वैधता लेते हैं, सोसाइटी से वैधता लेते हैं किसी चीज़ के विषय में, मत के विषय में, लेकिन एक्चुअलिटी में उसकी वो वैधता नहीं होती है, उसका समर्थन उसे प्राप्त नहीं होता, ठीक। वो केवल जो कैपिटलिस्ट अमीर लोग हैं, जो रिचर्स लोग हैं, संपत्ति पर जिनका अधिकार हो गया है, वो क्या करते हैं, कैमोफ्लॉज का थ्योरी यूज करते हैं, छलावा की थ्योरी यूज करते हैं, और लोगों को बहकाते हैं कि आपका हम समर्थन ले रहे हैं, आपकी बातों को हम सुन रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग जो नियम बना रहे हैं, ये चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअलिटी में नहीं होती, ठीक। एक्चुअलिटी में क्या करते हैं, अपने प्रोटेक्शन के लिए वो चीज़ें डेवलप करते हैं और प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। ऐसी चीज़ें जब शोषण बहुत बढ़ने लगता है, असमानता का स्तर जो बहुत बढ़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्रांति हो जाती है। तो उस रूसो यही कहता है कि जो असमानता की खाई है उसे पाटना चाहिए, ठीक, तभी समानताएं जो है सोसाइटी में आ पाएंगी, ठीक। वो कहता है असमानता की कोई जरूरत नहीं, ये कम्युनिटी के भाव को रिफ्लेक्ट करने का काम करता है, ठीक। इसके बाद हमारे अगले थिंकर जो हैं वो हैं मार्क्स, ठीक। मार्क्स जो है सब थ्योरियों को डिनाई करते हैं, लेकिन रूसो की बातों को एडप्ट कर आगे बढ़ाते हैं। वो कहते हैं हर कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, ठीक, वो इकोनॉमी की बात करते हैं, भौतिकता की बात करते हैं, ठीक, रिसोर्स की बात करते हैं, संसाधनों की बात करते हैं, संसाधनों के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, कि संसाधनों का डिस्ट्रीब्यूशन जो है कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो है वो क्या होता है, असमान होता है, ठीक। इससे क्या होती है, समाज में असमानताएं जन्म लेती है, ठीक। तो इनकी बात नहीं की जाती, इसको खत्म करने की जरूरत है, मार्क्स कहते हैं, ठीक। वो कहते हैं कि दो प्रकार के वर्क होते हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, ठीक, एक मेंटल वर्क मतलब बौद्धिक कार्य, ठीक, एक फिजिकल मतलब शारीरिक कार्य, दो प्रकार के कार्य होते हैं। इन्हीं कार्यों के आधार पर जो है सोसाइटी का डिवाइडेशन होता है, दो प्रकार की सोसाइटी बनती है, एक बुर्जुआ क्लास जिसे कैपिटलिस्ट क्लास कहते हैं और एक सर्वहारा बोलते हैं, ठीक, सर्वहारा बोलते हैं इसको, ठीक, एक डोमेन क्लास एक डोमिनेटेड क्लास, तो डोमेन जो क्लास जो बनता है, ठीक, सर्वहारा क्लास बनता है, ठीक, दो सोसाइटी बनती है। तो ये क्या करते हैं कैपिटलिस्ट क्लास और डोमिनेटेड क्लास जो क्या करते हैं, ठीक, वो वैधता बनाते हैं, नियम कानून बनाते हैं, उन पर वो सहमतियाँ लेते हैं, लोगों की सहमतियाँ लेते हैं, मतलब इसका डोमिनेटेड क्लास की जो है, ठीक, शोषक वर्गों का क्या करते हैं, शासन जो है शासकीय वर्गों का समर्थन देता है, लेकिन प्रकार का छलावा होता है। जर्मन आइडियोलॉजी में बात को वह क्या करते हैं, ये चीज़ों को रखते हैं, कहते हैं कि
जो कैपिटलिस्ट है वह कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, वैधता को एक छलावा के यूज में रूप में यूज करते हैं, अवधारणा को एक छलावा के रूप में यूज करने का कार्य करते हैं, और उन छलावा के आधार पर ही लोगों को ठगने का काम करते हैं। आगे वो क्रिटिक्स ऑफ बोथा प्रोग्राम में भी इस बातों को रखते हैं। प्रत्येक सोसाइटी में जो है एक क्लास बने हुए हैं, जिस पर एक वर्ग जो है वो अपना वर्चस्व बनाए हुए है। वर्चस्व को बनाए रखने के लिए एक धारणा का यूज करता है जिसे मिथ्या धारणा वो कहते हैं, वैधता का यूज करता है जिसे लोगों का समर्थन लेता है, वो क्या करता है प्रोटेक्शन का कार्य करती है। जो मिथ्या होती है, जो अवधारणा होती है, एक आइडियोलॉजी डेवलप करता है जिसके आधार पर जनता का जन समर्थन प्राप्त करता है, ठीक, तो उसको कहता है कि उसको हटाने की जरूरत है। मार्क्स कहता है कि इक्वल रिसोर्सों की बात होनी चाहिए। इक्वलिटी तभी आएगी जब सोसाइटी में रिसोर्सों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मार्क्स के बाद जो थिंकर आते हैं वो टॉकविले हैं। टॉकविले जो है अमेरिका के लोकतंत्रीकरण का जो समय चल रहा होता है उस समय अपने विचार को डेवलप करते हैं और लिखते हैं। वो क्या लिखते हैं कि ये अपनी अवधारणा डेवलप करते हैं और बताते हैं कि समानता क्या है। समानता जो है दासता और अधीनता से मुक्ति का एक मार्ग है या आकर्षण का केंद्र, टॉकविले जो है ये कहते हैं, ठीक। और वह कहते हैं कि समानता क्या करती है, जैसे कुलीन तंत्र होता है तो क्या करता है, कुलीन तंत्र में क्या करता है, सामंतों से किसानों से लेकर सामंतवादी व्यवस्था है तो सामंतों से लेकर किसानों तक जोड़ने का कार्य करता है, ठीक। ये टॉकविले ये बात कहते हैं, ठीक। तो समानता क्या करती है, जोड़ने का काम करती है, इक्वल पोजिशन पे लाने का काम करती है सबको। रीली टॉकविले जो है ये बात करते हैं। तक हमने समझ लिया, यहाँ तक इस क्लास में हमने क्या क्या समझा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबर्टी, ठीक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबर्टी, ठीक। सेकंड, डेवलपमेंट ऑफ इक्वलिटी, मेजर थिंकर ऑफ इक्वलिटी। अब इसके बाद की क्लास में हम समझेंगे वाई इक्वलिटी एंड इक्वलिटी ऑफ व्हाट, इक्वलिटी की जो अन्य अवधारणाएं रही जैसे कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ वेलफेयर, इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेस, इक्वलिटी ऑफ कैपेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। जो इक्वलिटी की धारणा से संबंधित जो विचार हैं उनको समझ कर ही हम इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझ पाएंगे या उसके संबंध में हमारी जो है एक समझ जो है वो विकसित हो पाएगी कि यह विचारक जो है इक्वलिटी के विषय में अपने क्या विचार रखते हैं या धारणा जो है क्या कहती है इक्वलिटी के विषय में। So that, thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy.